इंसर्ट एज लूप टूल, बेवल, ये तीनों चीजें कराई थी। एड डिवीजन से क्या होगा, जैसे आपके पास कोई भी पॉली है, मैंने बताया था ये पॉली है, एड डिवीजन पॉली के अंदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल सेगमेंट डाल देगा। देखो हॉरिजेंटल एक आ गया, वर्टिकल एक आ गया। इसके अंदर दो ऑप्शन है, एक तो क्वाड आया, क्वाड मींस एक दो तीन चार कॉर्नर वाला, चार वर्टेक्स वाले पॉलीगन को बोलते हैं क्वाड। देन ट्रायंगल, यहां से चेंज कर सकते हो ट्रायंगल। इसमें क्या आया, वही चार पॉलीगन आए पर ट्रायंगल बन के आए। सेक्शन डालता बीच में, अभी सेक्शन का क्या फायदा है ये दिखाता हूं मैं आपको। जैसे आपको कोई हैमर बनाना है, ऊपर वाला पॉलीगन पकड़ा, पहले आपने कर दिया ट्रायंगल, फिर आपने कर दिया क्वाड, तो अपने आप सर्कल वाला पॉलीगन आ गया और आप इसे एक्सट्रूड कर दो, ठीक है ना, ट्रायंगल डाल लेंगे। हाँ देखो, फिर बता रहा हूँ, पॉलीगन पकड़ा, पहले किया ट्रायंगल से सब डिवीजन, फिर किया क्वाड से सब डिवीजन, तो आपका गोल पॉलीगन ऑटोमेटिक आ जाएगा, मतलब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट आ गया। आप इसे एक्सट्रूड करो, जो मर्जी करो, आपकी मर्जी। समझ आया? अब इसी एड डिवीजन से ना हम एक सोफा बनाते हैं जिसके अंदर होल्स होते हैं। एक बॉक्स ले लेना, उस बॉक्स के अंदर विड्थ और डेप्थ के सेगमेंट्स बढ़ा दो, हाइट का एक या दो ले लेना। अब इससे सोफा बनाना है, अभी क्या लग रहा है, ये लकड़ी का टुकड़ा लग रहा है, मतलब बहुत शार्प लग रहा है। आप क्या करो, इसके अंदर सेगमेंट जो डालना वो इवन नंबर के डालना, जैसे 7-7 है ना, 8-8 कर देना, जिससे क्या होगा, 8-8 करने से परफेक्टली बीच में एक वर्टेक्स आपको मिल जाएगा, मतलब यहाँ से भी चार वर्टेक्स आ गए, यहाँ से भी चार वर्टेक्स आ गए। मैं इस वर्टेक्स को उठा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, एक पिंच में उठ रहा है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बी फोर सॉफ्ट सिलेक्शन, बी से सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन ऑफ हो रही है, और बी से ही प्रेस कर रखने से, लेफ्ट क्लिक ड्रैग करने से उसकी सिलेक्शन बढ़ रही है। बी बी फॉर बॉम्बे, बी से तो ऑन ऑफ हो रही है, पर बी प्रेस कर रखने से और मिडिल माउस से उसकी सिलेक्शन बढ़ रही है। अब देखोगे उसे आप कर भी उठा पा रहे हो, देखो सेलेक्ट मैंने क्या किया, एक ही वर्टेक्स किया है, पर वो बी ऑप्शन ऑन होने से वो स्मूथली उठा रहा है। जैसे सोफा में होता है ना, सोफे ऐसे उठे होते हैं, वैसा उठा रहा है। मूव टूल पे डबल क्लिक करोगे, जो बी हम ऑन कर रहे हैं वो ये है सॉर्ट सिलेक्शन, इस शेप में उठा रहा है, कॉर्नर से दबा दबा उठा रहा है। देखो कॉर्नर दबा हुआ है ना, तो क्या करो, यहाँ पे ना आप पॉइंट सेट कर सकते हो और इन पॉइंट्स को यहाँ से नन कर सकते हो, लीनियर कर सकते हो। लीनियर मतलब जो उठा उठा आ रहा है उठा उठा नहीं आएगा। अब देखो इसको उठाने का स्टाइल पहले क्या था, आप क्या यहाँ पे अलग अलग स्टाइल से सीनियो की तरह उठा रहा है, थ्री प्रेस करने पे देख सकते हो तरीका उठाने का, थ्री वन या थ्री, पहले बताया था ना मैंने, वन और थ्री। तो हमें क्या करना है, हम अपना बनाएंगे लीनियर करके,
खाली ऊपर ऊपर से नहीं, हर साइड से बढ़ाना ताकि गद्देदार लगे सोफा। स्वीप प्रेस करके देखो, स्मूथ हो जाएगा। अब लग रहा है सोफा, थोड़ा सोफे की गद्दी लग रही है, पर हमें क्या करना है, ऊपर से ना होल्स बनाने हैं इसके अंदर। थ्री प्रेस करके टर्बो स्मूथ आ जाता है ऑटोमेटिक, वो बाद में बताऊंगा, वो भी टॉपिक आया नहीं। क्या करो, खाली ऊपर ऊपर के पॉलीगन सेलेक्ट कर लो, खाली ऊपर ऊपर के। अब जो मैंने आपको बताया था एड डिवीजन, इससे ना सबको ट्रायंगुलेट कर दो, ट्रायंगल्स। अब देखो कि सब ना ट्रायंगल्स हो गए। अब इस ट्रायंगल्स के अंदर आपको थोड़ा पहचान पाना मुश्किल है, दो तरह के वर्टेक्स है, एक ये रहा, एक ये रहा। एक वर्टेक्स के आठ है जिसे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, और एक के चार, एक दो तीन चार। तो जितने भी आठ वाले वर्टेक्स है ना, वो सेलेक्ट कर लो। ठीक है, आठ वाले वर्टेक्स पकड़ लिए और उनको कर देना बेवल। बेवल से क्या हो रहा है, वो खुल जा रहे हैं। जो एक वर्टेक्स है ना, इस एक वर्टेक्स पे ध्यान दो, क्या हो रहा है, एक वर्टेक्स पे क्या हुआ, एक वर्टेक्स के आठ सेक्शंस निकल आए। समझ आया? अब आपको इनको गोल बनाना है, चार साइड पकड़ के स्केल मार दो, गोल हो जाएंगे। तो जो हमने भी क्वाड वाला बताया था, क्वाड को ट्रायंगल कर लिए, वो उसमें वर्टेक्स में अप्लाई नहीं करता, ओनली पॉलीगन के लिए। ये ना ओनली पॉलीगन के लिए। ठीक है, सबको गोल करना है। अभी मैं सबको गोल नहीं कर रहा हूं, जिस जिसको मैं कर पाया हूं उसी में करके दिखा रहा हूं। मैं सबको गोल नहीं कर रहा हूं, पर आपको सबको गोल जरूर करना है। इन सबको कर दो एक्सट्रूड थोड़ा सा अंदर और साथ में स्केल भी, फिर एक और बार एक्सट्रूड, दो बार कर देना ताकि शार्पनेस ज्यादा आ जाए। थ्री प्रेस करने पे देखते क्या हो रहा है। देखो ऐसे सोफे होते हैं ना, अभी और कुशनिंग के लिए और बेटर डेकोरेशन के लिए, जो बीच बीच वाले चार चार वाले वर्टेक्स हैं, इनको पकड़ के ऊपर कर दो। आप टॉप व्यू से इजीली सेलेक्ट कर सकते हो इन्हें,
इन्हें उठा दो ताकि पहाड़ टाइप बन जाए। समझ आए यहां तक? अब क्या करना है हमें? बटन्स लगाने। बटन्स के लिए सिंपल एक स्फीयर लेना, इन सोफों में ना बटन्स लगे होते हैं जहां पे होल होता है। इसे पिचका दोगे तो ये बटन्स बन जाएंगे। कंट्रोल डी कॉपी। मेरी पूरी कॉपी करना पड़ेगा। क्योंकि जगह ऊपर नीचे है ना, सोफा है वो ऊपर नीचे है, सेम नहीं है हर जगह से। अब वैसे मैं करूँगा शिफ्ट रिलीज होती है। देखो अभी बटन इकट्ठे पकड़े, कंट्रोल डी मारा, फिर शिफ्ट डी, ये कह रहे थे ना। ठीक है, ऐसे अरेंज करने के बाद अब उसकी कंट्रोल डी से जितनी गद्दियाँ रखवानी है, मान लो तीन, तीन कॉपियाँ ले लेना। बन गया आपका सोफा। समझ आया? तो आपका होमवर्क है एक ये सोफा और दो सिंपल वाले सोफे, तीन सोफे आपको बनाने हैं। ठीक है, सिंपल मतलब ये बटन्स वाले नहीं, सिंपल। हाँ, सपोर्ट वाले यही कर दिया, पीछे को पिक करके खड़ी कर देना, इनको पीछे करके रोटेट कर दो, ग्रुप करके कर दो। कंट्रोल जी समझ आया? ये मैंने प्रॉपर नहीं प्लेस किया, आपको प्रॉपर प्लेस करने हैं। व्यू पे चेंज कर दे, टॉप व्यू स्पेस के साथ, स्पेस के साथ माया पे क्लिक, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, इससे तो एक से चार होगा। टेढ़ा हो रहा है, सही तो है? नहीं सर, अरे सर मैं एक्सपेंस ऐसे ही।